तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मामलों को बढ़ता देख अब स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड एंटीजन किट का सहारा लेने का फैसला कर लिया और इस कड़ी में न केवल मैदानी जिलों को बल्कि पहाड़ी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग ये किट भेज रहा है। दरअसल उत्तराखंड के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल को आज और कल पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया। एकाएक कोरोना मामले बढ़ने से प्रशासन की चिंताएं भी यहां पर बढ़ गई हैं और इसके लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड एंटीजन किट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस कड़ी में सभी 13 जिलों में इस किट की जरूरत को पूरा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मैदानी जिलों में ही करीब 10,000 से ज्यादा किट आने वाले समय में दी जाएंगी जबकि पहाड़ी जिलों में भी जरूरत के लिहाज से किट का वितरण किया जा रहा है। रैपिड एंटीजन जो किट हैं वो हमारे 13 ही जनपदों में हम करने जा रहे हैं क्योंकि हमको अब करीबन जनता के जो भी लोग आए हैं सभी को कर लेना चाहिए जिससे कि हम जल्दी उसको काबू पा सकें कोरोना को। तो सभी जिलों में जरूरत के मुताबिक यहां पर पूर्ति की जाएगी। दरअसल आज और कल जिस तरह से 4 जिलों में लॉकडाउन है वहां पर पहले प्राथमिकता दी जा रही है कि वहां पर पूरी चीजें की जाएं रैपिड एंटीजन किट को लेकर, लेकिन मैदानी इलाकों के साथ साथ ही कहा जा रहा है कि पहाड़ी जो जिले हैं, पहाड़ी जो इलाके हैं उनमें भी इन किट की पूर्ति की जाएगी।